अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो अभी हो रहा है शाम का टाइम और बस मैं अभी इनाया को जस्ट सुलाकर आई हूँ। यहीं पर खेल रही थी और आलिया की क्लास चल रही थी तो मैं छत पर ही जो है ना लेकर आ जाती हूँ, तो यहीं पे उसकी दोनों क्लास जो है ना अटेंड कर लेती है। क्योंकि पहले तो जो है ना एक क्लास होती थी 5 से 6, लेकिन अब 2 क्लास होने लगी हैं, एक 4 से 5 और एक 5 से 6। तो फिर मैं यहीं पर बैठी रहती हूँ और आलिया यहाँ पढ़ लेती है और इनाया भी खेलती रहती है। तो बस अभी उसकी क्लास भी हो गई है पूरी और इनाया सुला कर आई, क्योंकि रोने लगी थी तो फिर मैं लेकर चली गई नीचे, लेटा रहा तो वो सो गई है। और बस अभी इनाया सो गई है तो मैं सोच रही हूँ अपना कुछ काम है वो मैं कर लेती हूँ। जैसे कि मुझे बनाना है गाजर का हलवा, सुबह पापा लेकर आ गए थे गाजर, तो अभी बना कर रख देती हूँ। और शाम का खाने का भी देख लेती हूँ क्या बनाती है। वैसे मुझे मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं मटर पुलाव रख, क्यों मटर पुलाव ना असल है तो ये भी यहीं बैठे हुए हैं, तो मैं इनसे पूछ रही हूँ मटर पुलाव बना लो क्योंकि मुझे ही पसंद है मटर पुलाव, तो इनको भी अच्छा लगता है और सिंह भाजी को भी अच्छा लगता है। तो देखती हूँ मैं गाजर का लो होने का साथ ही मैं शाम का खाना ये मटर पुलाव भी बना लूँगी। तो मैं बहुत टाइम से सोच रही हूँ, मतलब समोसे तो बना ली है लेकिन कचौड़ी हर बार बनाने की सोचती हूँ, फिर मैं सोचती हूँ कि नहीं बनेंगी शायद। सब चीज़ तो क्योंकि कभी बनाई नहीं है इसलिए। तो चलिए देखते हैं क्या क्या बन पाता है, बनाने का तो इतना कुछ सोच लिया है, अब नीचे जाते हैं तो स्टार्ट करते हैं बनाना। और शाम का टाइम हो ही गया है, जब तक खाना भी बन जाएगा। और हलवा और कचौड़ी तो सुबह नाश्ते के लिए बना के रख रही हूँ, क्योंकि फिर सुबह ये रहता है कि नाश्ता बनाओ फिर खाना बनाओ ना, तो फिर जो है ना लेट हो जाते हैं, तो इसलिए अभी से मैं कुछ तैयारी अभी करके रख दूंगी तो सुबह ज़्यादा काम नहीं रहेगा। फिर इनाया भी उठ जाती हैं तो वो भी प्रशंसा करने ही लगती हैं। वैसे थोड़ी लेट ही उठती हैं लेकिन काम के टाइम पर तो उठ जाती हैं। तो चलो फिर नीचे चलते हैं अपना काम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अभी फ्री है अभी से करेंगे तो जल्दी जाओ। मशीन भी लगा दी, थोड़े से कपड़े थे तो वो भी मैंने लगा दिए। तो बस यहाँ पे मैं किचन में आ गई हूँ और जो सुबह का खाना है तो वो रखा हुआ है, तो बस जो कम है तो वो मैं इसको छोटे बर्तनों में करके रख दे रही हूँ, जैसे कि थोड़ी सी दाल वगैरह है तो उसको कटोरी वगैरह में, और बर्तन जो एक्स्ट्रा है वो उठा दे रही हूँ और ये साफ़ कर दूंगी। तो अभी दाल तो ज़्यादा है और फिर अभी अगर किसी को दाल खाना हुआ तो इसलिए मैंने दाल को नहीं उठाया है और बाकी सारी चीज़ें उठा दी हैं। तो यहाँ पे ये गाजर जो है ना मैं इनको साफ़ कर लेती हूँ, तो मैं क्या करती हूँ मैं छील लेती हूँ इनको, कुछ लोग इनको धो भी लेते हैं मतलब ब्रश वगैरह से तो अच्छे से, क्योंकि इसमें गड्ढे गड्ढे से होते हैं तो उसमें मिट्टी लगी हुई होती है, तो इसलिए मैं इसको छील लेती हूँ तो वो अच्छे से साफ़ हो जाता है। और यहाँ पर मैं अपना ब्लॉग देख रही हूँ, ब्लॉग लगा हुआ है, तो मैं इसी तरीके से अगर काम करती हूँ ना तो अपना मोबाइल रख देती हूँ और उसमें कुछ भी मतलब किसी के वीडियो ब्लॉग या किसी भी तरह की वीडियो देखनी होती है तो वो देखती जाती हूँ और मैं अपना काम करती जाती हूँ। तो इससे मुझे अपने काम का जो है ना पता नहीं चलता और मेरा टाइम भी पास हो जाता है, वरना एक ही काम हम कर रहे हैं और उस पर ही ध्यान है तो थोड़े से हो जाता है कि बहुत टाइम लग रहा है, तो इस तरीके से मुझे पता नहीं चलता है। तो बस यहाँ पर मैं सारी गाजरों को इसी तरीके से साफ़ कर लूँगी और फिर इनको धो लूँगी और इनके जो ऊपर नीचे के ना उनको भी मैं कट कर लूँ, क्योंकि मुझे करने हैं मशीन में कद्दूकस। तो ये बहुत इजी है, क्योंकि अगर वैसे अगर होता ना तो बहुत ज़्यादा आलस आता कि इनको कितनी देर तक कद्दूकस करना पड़ेगा, तो बहुत टाइम लगता था पहले, लेकिन अब तो जो है ना बहुत जल्दी हो जाता है। तो यहाँ पे ये देख ली गाजर बिल्कुल तैयार है बिल्कुल क्लीन होकर, तो यहाँ पे ये मैंने मिक्सर के जो कटर करूँगी तो उसके वो मैंने निकाले हैं ऊपर से, क्योंकि वैसे तो यूज होते नहीं हैं तो इसलिए हम इसको कार्टून में ऊपर रख देते हैं। तो वैसे तो इसमें बहुत सारे काम हो सकते हैं, जैसे कि इसमें आटा गूंथ जाता है, पत्ता गोभी, फूल गोभी, और अगर पराठे वगैरह बना रहे हैं तो उसका मिक्सर तैयार हो जा, बहुत सारे काम हो जाएंगे इसमें, लेकिन हम लोग मतलब इसमें ज़्यादा यूज़ नहीं लेते हैं, सिर्फ मैं सर्दियों में ही इसको निकालती हूँ। तो सर्दियों में ही इसका गाजर का मतलब अगर हलवा बनाना होता है तो मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ, और अगर ये नीचे रहता है तो कभी कभी फिर ऐसा होता है कि जैसे कि गोभी के पराठे वगैरह बना रहे होते हैं ना तो इसमें कर लेती है, तो बहुत ज़्यादा ईजी रहती है। तो ये हमें बहुत ज़्यादा अच्छा हेल्पफुल है, ये पूरी मिक्सर हमारी उषा की है, फूड कटर है ये, तो बहुत ज़्यादा अच्छा है ये, और कई साल हो गए और अभी तक ये ख़राब भी नहीं हुआ है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। और आप देख भी सकते हैं बिल्कुल मिनटों में जो है ना गाजर ये देखिए तैयार हो गई है, वरना इतनी गाजर कद्दूकस करने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। तो बस यहाँ पे गाजर हो गई तैयार, तो यहाँ पे मैं सारी गाजर को इस कढ़ाई में निकाल लूँगी
और फिर इसको धोकर मैं वापस रख दूंगी। अभी तो मैं यहीं नीचे रखे रहने दूंगी क्योंकि बीच में फिर भी बन सकता है गाजर का हलवा, तो इसलिए अभी मैं ऊपर नहीं रखूंगी। लेकिन जैसे ही सीजन ख़त्म होता है तो वैसे ही मैं इसको कार्टून में ऊपर रख देती हूँ। और बस ज़्यादातर यही चीज़ हमारी यूज़ होती है इस मिक्सर में, वरना अगर इसका और यूज़ किया जाए ना तो बहुत सारे ऐसे यूज़ हैं कि बहुत सारे काम इससे हो सकते हैं, लेकिन हम नहीं करते हैं क्योंकि हाथों से करने की आदत है ना, तो इसलिए नहीं करते हैं। लेकिन ये थोड़े से टाइम लगने वाली चीज़ है ना, तो इसलिए हम इस वाले काम को कर लेते हैं। तो बस अभी यहाँ पर मैं हलवा बनने रख दूँगी क्योंकि इसमें लगने वाला है टाइम, तो टाइम ही लगेगा। वैसे मैं पहले क्या करती थी, कुकर में इसको बना लेती थी, मतलब पहले मैं क्या करती थी, गाजर को कुकर में डाला और थोड़ा सा दूध डाला और एक दो सीटी ले लेती थी, गाजर गल जाती थी और फिर उसको तेज़ गैस पे बस उसको अच्छे से सुखा लेती थी पानी को। तो यहाँ पे ये गाजर बच गई है, बड़े बड़े टुकड़े भी उसमें आ जाते हैं, तो मैं इनको रख दे रही हूँ। ये जो है ना सब्जी वगैरह में डालने के काम आ जाएगी। मैंने उसको उठाया नहीं और फिर बाकी की चीज़ें मैंने फेंक दी हैं। और यहाँ पर ये मटर मैं जो छील रही हूँ, तो थोड़ी सी मटर छिली हुई रखी है, थोड़ी सी और मैं छील लूँगी तो इसका बन जाएगा मटर पुलाव। और हलवा मैंने रख दिया है। अभी इस बार मैं तो कढ़ाई में ही बना रही हूँ, वैसे मैं कुकर में भी बना लेती हूँ, तो उस कढ़ाई में मैंने दूध डालकर उसको रख दिया है। और बाजी यहाँ आई है सानिया के लिए, खाना लेने के लिए, तो बस सानिया तो वही खाएंगी अपने दाल चावल, तो इसीलिए मैंने दाल नहीं हटाई थी क्योंकि अभी उसने खाना नहीं खाया था ना, इसलिए। तो बस यहाँ पर दाल जो है ना निकाल लिया बाजी ने और ये चावल रखे हुए हैं बने हुए, तो बस उसको दाल चावल दे देंगी बाजी। और मेरी छिल रही है मटर और साथ ही में हलवा बन रहा है। तो सानिया आ गई कहने के लिए कि मम्मी अचार भी लेकर आना, क्योंकि उनको जो है ना दाल चावल के साथ अचार तो ज़रूर से चाहिए। उसको शुरू से आदत है दाल चावल और अचार और जो है ना सैलड, ये भी खाते हैं वो, ये पूरा खाना उसको मतलब प्रॉपर चाहिए बड़ों की तरह। तो बस यहाँ पर मैंने गाजर को थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दिया था क्योंकि पहले तो वो भरी हुई थी, तो उसको फिर बाद में दब सी जाती है थोड़ी सी, तो इसलिए फिर मैंने उसको ऊपर नीचे कर दिया। बस यहाँ पे मैं मटर तो छिल गई है, तो मटर मैं ज़्यादा डाल ली हूँ क्योंकि अभी मटर रखी हुई थी ज़्यादा, तो मैंने कहा ज़्यादा मटर का, क्योंकि मुझे ज़्यादा मटर का पुलाव अच्छा लगता है, वैसे कम भी डाल सकते हैं, तो आज मैं चावलों से ज़्यादा मटर मेरी है तो बस यहाँ पे मैंने जो है ना सिंपल तरीके से ही बनाती हूँ। ऑयल डाल दिया है और गरम मसाले ले लिए हैं, तो बस ऑयल में ये डाल दूंगी और प्याज कट कर लिए तो वो प्याज डाल दूंगी, बस प्याज फ्राई हो जाएगी। और ये सारा काम करते करते मेरा हलवा भी जो है ना रेडी हो गया था। मतलब फिर बाद में जो और काम रहे थे जैसे कि उसमें घी डालना, मावा डालना, इलायची पाउडर, शक्कर, तो ये सारी चीज़ बस रह गई थी, वरना गल तो वो गई थी। वैसे इसमें भी टाइम नहीं लगता है, लेकिन अगर हाँ ज़्यादा जल्दी है ना तो फिर कुकर में बनाना बहुत ईजी है। तो बस और गैस भी अगर बचानी है तो गैस बचाना है तो कुकर में, लेकिन उसका टेस्ट अलग रहता है, लेकिन जो धीमे धीमे बनता है ना उसका टेस्ट अलग होता है। तो बस यहाँ पे मैंने डाल दिया है अदरक लहसुन का पेस्ट और इसमें थोड़े से मैंने गरम मसाले और सौंफ वगैरह भी पीसी थी तो वो भी डाल दी है, और बस इसको भून लूँगी और इसमें धनिया पाउडर भी डाल दूँगी। और प्याज वैसे मैं सोच रही थी निकाल लूँ, लेकिन फिर मैंने जो है ना नहीं निकाली थी। तो यहाँ पर जो है ना मैंने मटर डाल दिया, मसाला भुन गया था अच्छे से, तो मटर पहले तो मैंने बचा ली थी, लेकिन फिर मैंने सोचा ये थोड़ी सी मटर जो है ना ऐसे ही पड़ी रहेगी तो इसको डाल देती हूँ। वैसे मटर जो है ना मैं पोहे में भी अच्छी लगती है, लेकिन अब जो मटर आई है ना वो थोड़ी सी करी आई है, तो ये पोहे में ना ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही है, तो इसलिए फिर मैंने पुलाव में ही जो है ना सारी मटर डाल दी थी। और हरी मिर्च मैंने लास्ट में डाली। और इनाया जो है ना आ गई सो के उठ के, तो वो यहीं पर बैठी हुई है, मैंने उसको यहीं बिठा लिया क्योंकि वो रो रही थी। और जब वो सोकर उठती है तो उसको गोदी में चाहिए रहता है, और मेरा थोड़ा सा ये काम रह गया तो मैंने कहा सीटी लगने रख दूँ, फिर आराम से इसको लेकर बैठ जाऊँगी। तो फिर जो है ना मैं बस कुकर का ढक्कन लगाकर इसको लेकर ही बैठ गई थी जब तक हलवा बन रहा था। और यहाँ देख लीजिए मैंने पानी डाल दिया, कुकर पूरा भर गया है तो मैं सोच रही कि मुझे चावल थोड़े कम कर लेने चाहिए थे, लेकिन फिर मैंने ये सोचा कि सबको अच्छे से हो जाए तो इसलिए मैंने थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ा दी थी चावल की, लेकिन फिर कुकर में तो पूरा भर ही गया है। लेकिन चलो हमारा कुकर बहुत अच्छा है, सब सह लेता है वो सोचता है कि चलो इनके साथ हम भी सह लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ देख लीजिए मैं दिखा रही हूँ मावा, तो पुलाव बनके हो गया है रेडी और हलवा भी जो है ना अच्छे से गल गया है। मैंने इसमें शक्कर डाल दी थी, मैंने आपको दिखाया नहीं है, मतलब सूट नहीं किया था उस टाइम पर क्योंकि इनाया को गोद में ली हुई थी, उसी टाइम पर मैंने शक्कर डाल दी थी एक हाथ से ही।
तो बस शक्कर भी अच्छे से सूख गई है, थोड़ा बहुत पानी रह गया है, तो मैंने कि साथ में मावा भी मिक्स हो जाएगा और उसका पानी भी सूख जाएगा। तो अभी भी मैं इनाया को गोद में ली हूँ, क्योंकि पता नहीं कभी कभी ऐसे ही करती है नाटक कि वो रोती है सो के उठने के बाद। और काफ़ी टाइम बाद मैंने हलवा बनाया, बहुत ज़्यादा टेस्टी हलवा बना था, यमी। क्योंकि देखो हलवा की तो ऐसा है जितना माल डालोगे उतना ही अच्छा बनेगा, तो बस इसमें घी डाल के शक्कर और मावा और बस इलायची, मतलब तरीका तो देखो एक ही है। यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा मैंने डेकोरेट कर दिया है इसको, मावा डाल दिया है ऊपर से बनने के बाद, और बहुत ज़्यादा देखने में प्यारा लग रहा है ना, मुँह में पानी आ गया ना मेरे, इस टाइम पर भी आ रहा है। और इसमें मैंने काजू और किशमिश डाली है, ये अपने ऊपर है, अगर ड्राई फ्रूट पसंद करते तो डालो नहीं तो नहीं डालो। और यहाँ देख लीजिए हलवा मैंने बाउल में करके रख दिया, क्योंकि इसमें रखा भी रहेगा और अगर गर्म करना है तो माइक्रोवेव में इसमें गर्म भी हो जाएगा। और ये मैंने पुलाव के साथ बनाई है चटनी, और पुलाव भी मैं खोल कर दिखा देती हूँ। तो ये देख लीजिए हमारा कुकर पूरा भर गया है अच्छे से, और बढ़िया वाली खुशबू आ रही थी कुकर में से भी पुलाव की, बहुत ज़्यादा अच्छी। तो बस अभी हम लोग निकाल रहे थे, अभी मतलब पुलाव बनाने के बाद, हलवा बनाने के बाद बैठे थे हम लोग, बातें कर रहे थे सभी लोग, फिर उसके बहुत देर बाद जो है ना मैं निकाल कर ले जा रही हूँ खाने के लिए। तो बस यहाँ देख लीजिए मैं आ गई हूँ ऊपर, खाना वगैरह हो गया है, और यहाँ आलिया को याद आ गई स्लीपर्स की, मम्मी तुम स्लीपर्स लाई थी वो कहाँ है, तो ये स्लीपर्स मैं लेकर आई थी, क्योंकि आलिया की एक दूसरी स्लीपर्स पहनती है, तो फिर बोल रही थी कि मम्मी अब मुझे बद्दी वाली मतलब इस तरीके की चाहिए जो तुम पहनती हो, तो फिर मैं ये लेकर आई, तो फिर इनाया के लिए भी लेकर आई हूँ। और बस इनाया को अपने हाथ से ही जो है ना खोलनी है, और दोनों की स्लीपर्स एक ही डिज़ाइन की है लेकिन बस कलर अलग अलग है, क्योंकि अगर एक के लिए सामान लाना तो दूसरी लड़ती है। तो इनाया तो बहुत ही ज़्यादा आलिया को तो समझा भी देते हैं, अगर इनाया के लिए चीज़ नहीं लाना तो इनाया बस बोलेंगे कि क्यों नहीं लाया, तो वो उसकी चीज़ चुना लेती, तो इसलिए मैं हमेशा चाहे मैं उसके पापा दोनों ही, हम दोनों ही जो है ना सामान दोनों के लिए सेम लेकर आते हैं, तो दो बच्चों में ऐसा ही होता है। और यहाँ बता रही हूँ कि मैं जा रही हूँ अपने घर, यानी कि मैं अपने मायके, तो मैं क्यों जा रही हूँ, तो इसकी वजह ये है कि वैसे तो कुछ लोग समझ ही गए होंगे जैसे मैंने बोला है, लेकिन मैं बता देती हूँ कि मेरी मम्मी की है बरसी की फातिहा, क्योंकि उनको एक साल हो गया है पूरा, फरवरी में ही उनका इंतकाल हुआ था, और तो बस इसीलिए मुझे जाना पड़ रहा है। वैसे तो मैं नहीं चाह रही थी कि मैं इस टाइम पर जाऊँ, क्योंकि जब भी मेरी बाजी वगैरह यहाँ पर आती हैं, ननद वगैरह आती हैं, तो मैं कभी भी ऐसे टाइम पर घर नहीं गई हूँ। अगर मेरी ननद यहाँ पर है तो मैं यहीं पर रहती हूँ, चाहे कुछ भी मतलब काम आए, लेकिन अब वो टाइम नहीं है। पहले मेरी मम्मी थी, तो मेरी मम्मी अगर उस टाइम पर बुलाती थी तो मैं मना कर देती थी कि मम्मी नहीं आऊँगी, लेकिन अब ऐसा टाइम आ गया है कि मतलब अब क्या बोलूँ मैं, कि मैं मतलब जिम्मेदारी वहाँ की मुझ पर ही है अब एक तरह की, क्योंकि अब मेरे छोटे बहन भाई हैं वहाँ पर, तो यहाँ पर कुछ भी होता है तो उस काम के लिए मुझे जाना ही पड़ेगा। तो पापा ने जो है ना फ़ोन किया था, मेरे ससुर के पास भी किया था और मेरे पास भी किया था, वैसे तो मुझे पता ही था, लेकिन एक फ़ोन करना एक फ़र्ज है लड़की की ससुराल में, तो इसीलिए पापा जी ने फ़ोन किया था मेरे ने कि सन्नो जल्दी आ जाना, क्योंकि अब देखो कुछ भी होता है घर पे तो मुझे पहले से ही जाना हो, क्योंकि अब मेरे घर पे ऐसा कोई बड़ा नहीं है जो कोई भी काम संभाल ले, गुलफ़सा है लेकिन अभी उसमें इतनी समझ नहीं है कि कोई भी कुछ हो तो काम तो वो संभाल ले, तो इसलिए अब अगर कुछ होता है तो फिर मुझे ही पहले से जाना है, उसकी तैयारी वगैरह करना रहेंगी, तो इसीलिए मैं फातिहा से एक दो दिन पहले जाऊंगी, जिससे सारा काम मतलब मुझे करना रहेगा वहाँ पर जाकर। तो बस अभी जो है ना मौका ऐसा आया है कि मतलब क्या कहूँ मैं, कभी नहीं सोचा था कि ये ऐसा टाइम आएगा और मुझे इस चीज़ के लिए जाना पड़ेगा मुझे अपने मायके। तो ये दिल लड़की के नसीब में, मतलब लड़की को कभी ये टाइम देखना ना पड़े किसी भी लड़की को लपा, क्योंकि माँ बाप लड़की के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो बस अब मैं तैयारी करूँगी घर जाने की, मतलब थोड़ी बहुत पैकिंग करूँगी, क्योंकि मैं ज़्यादा दिन के लिए नहीं जाऊँगी, बहुत कम टाइम के लिए जाऊँगी, तो बस मम्मी की फातिहा बस उसी के लिए जा रही हूँ। तो फिर मिलती हूँ आप लोगों से नए ब्लॉग के साथ, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।